आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। निजी होटल में संपन्न की गई आप पार्टी की किसान न्याय सम्मेलन। किसानों को लेकर आज एक निजी होटल में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विशेषकर किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों एवं किसानों के साथ होने वाली परेशानियों को लेकर बात की गई। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान सम्मेलन अभी तक 20 राज्यों में संपन्न हो चुका है, साथ ही यहां पर पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में भी पत्रकारों से चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी 15 अप्रैल से किसानों के न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इसी संदर्भ में 15 किसान न्याय सम्मेलन, जो राष्ट्रव्यापी किसान न्याय सम्मेलन होंगे, मध्य प्रदेश में 15 जुलाई को किसान न्याय सम्मेलन रखा गया था। 15 अप्रैल से लगातार किसानों के बीच में आम आदमी पार्टी लगातार संपर्क बनाए हुए है, किसानों की समस्या समाधान लिए एकत्रित कर रही। मुख्य बात है किसानों के साथ हो रहे अन्याय। किसानों को 2008 में स्वामीनाथन आयोग ने एक रिपोर्ट लागू की थी, उस स्वामीनाथन आयोग को लागू कराना उद्देश्य है, जिसमें फसल का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए, साथ ही कृषि ऋण राहत आयोग बने। उस संदर्भ में पूरे भारत में आम आदमी पार्टी लगभग अनेक राज्यों में सम्मेलन करेगी, जो इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में 15 जुलाई को हो चुका है, उड़ीसा को 17 जुलाई को है, गोवा में 22 जुलाई को, उत्तराखंड में 28 जुलाई को, बिहार में 29 जुलाई को, हरियाणा में 30 जुलाई, पश्चिम बंगाल 5 अगस्त, राजस्थान 12 अगस्त, आंध्र प्रदेश 12 अगस्त, कर्नाटक 13 अगस्त, पूर्वी उत्तर प्रदेश 19 अगस्त, गुजरात 20 अगस्त, तेलंगाना 26 अगस्त, तमिलनाडु 27 अगस्त, छत्तीसगढ़ झारखंड 27 अगस्त, पश्चिम उत्तर प्रदेश केरल 2 सितंबर, पंजाब 9 सितंबर, महाराष्ट्र 10 सितंबर। इन सभी राज्यों से सम्मेलन करते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी दिल्ली में किसान न्याय सम्मेलन रखा गया है। बाकी की आपको द्वारा राष्ट्रीय एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें किसानों की न्याय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे रघुवंशी जी ने बताया कि 20 राज्यों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, उसमें मध्य प्रदेश में हो चुका है, उड़ीसा में हो चुका है। निश्चित रूप से 4 चरणों में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेके आई है, जिसमें पूरे राज्यों में किसान सम्मेलन आयोजित होंगे। उसके बाद दूसरा चरण सभी राज्यों में किसान न्याय यात्रा 11 सितंबर से शुरू होगी। तीसरा चरण धरना 2 अक्टूबर से जंतर मंतर पर दिल्ली में होगा। और चौथा लास्ट चरण होगा, जो राष्ट्रीय किसान न्याय रैली के रूप में जंतर मंतर पर होगा, दिल्ली में होगा। निश्चित रूप से वहाँ 20 लाख से अधिक किसान जुटेंगे, मोदी सरकार को ये बताएंगे कि आपने भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा करके आए थे, 3 साल बाद आपने उसको लागू नहीं किया। किसान की कर्जे की माफ़ी की बात की थी आपने, किसान कर्ज माफ़ी की, आपकी सरकार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में किसानों के ऊपर गोली चलवाई जा रही है, ये न्यायिक रूप से निंदनीय है। और अभी 6 महीने के अंदर 195 के आसपास किसान मध्य प्रदेश में मरे हैं, और 3 लाख किसान विगत एक दशक के अंदर 3 लाख किसानों ने राज पूरे भारत भर में आत्महत्या की। आखिरकार किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर सरकार तो इस मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलनरत है, उनके न्याय की बात कर रही है। बहुचर्चित वकील महेंद्र सिंह लोधी की पिटाई मामले में आज एक नया मोड़ आया, जब कुछ महिलाएं वकील महेंद्र लोधी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि महेंद्र लोधी, जो पेशे से एक वकील है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। साथ ही यह भी बताया कि इस वकील महेंद्र सिंह लोधी पर कैंट थाना में 307 का मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। महिलाओं का यह भी आरोप है कि उसने पुरानी रंजिश के चलते विजय पाल चौहान का नाम इस केस में जुड़वा दिया है।
महिलाओं का ये कहना भी है कि उसका भाई उस समय मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद भी वकील महेंद्र लोधी ने उसके भाई का नाम इस केस में जुड़वा दिया। समझ से परे है कि इस मामले में हकीकत है क्या, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ ही में आज ये तीसरा पक्ष भी वकील महेंद्र लोधी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मामला पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आएगा कि इसकी हकीकत है क्या। वकील है ना, जो उस वाले केस में महिलाओं ने, वकील साहब ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, महिलाओं ने वकील साहब को मारा, उसमें मेरे भाई को साजिश के रूप में बताया जा रहा है, उनका नाम यूं ही लिखवा दिया जबकि मेरा भाई यहाँ था ही नहीं, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। उसने भाई का मेरा इस केस में कहीं से कहीं तक लेना नहीं है, लेकिन मेरा भाई का नाम साजिश के रूप में दिया जा रहा है। एक दिन महेंद्र लोधी हमारे घर पे गया था, भाभी जी उस समय मेरी घर पे थी, घर के दरवाजे पे आड़ी गाड़ी लगा ली, भाभी ने कहा भैया आप यहाँ से हटाओ, तो भाभी जी से अनसंड बोलने लगा, तो उतने भाई आ गया तो गाली गलौज हो गई, उसने शायद वो ही निकाली है भैया की रंजिश। क्या नाम है उनका भाई का? मेरे भाई का नाम विजयपाल सिंह चौहान उर्फ गोवर्धन, इसलिए उन्होंने। हाँ, क्या है ये? तो वैसे भी आपराधिक किस्म का आदमी है, गुंडा है। इसको 15 साल पहले इस पे अपने कैंट थाने में 307 का केस दर्ज है। किस पे? महेंद्र लोधी पर। और जब महिलाओं के साथ अभद्रता करोगे तो महिलाएं मारेंगी, उसमें पुलिस चाहे जे कहे कि महिलाएं रिपोर्ट करने क्यों नहीं आई, तो महिलाएं पहले अपनी इज्जत थोड़ी लुटवाएंगी, उसके बाद रिपोर्ट करने जाएंगी। महिलाओं के साथ अभद्रता करी, महिलाओं ने मारा, उसे मेरे भाई का कौन सा लेना देना है? आज मैं भी गई थी उस केस में, तो ऐसे वो मेरा भी नाम दे सकता था, कि कल्पना जी ने भी षड्यंत्र रचा है। मैं महिला हूँ तो महिला के समर्थन में खड़ी होंगी, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो महिलाओं के बीच में हम लोग जाएंगे। दिन भर से हो रही बारिश के चलते आज लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। दिन भर आज रुक रुक कर होती रही बारिश, कभी तेज तो कभी हल्की फुहारें आती रहीं। काफी हद तक बारिश गिरने से मौसम ठंडा हो गया, जिसमें लोगों को उमस से राहत मिली। कई दिनों से चली आ रही उमस के चलते लोग परेशान और बेहाल हो चुके थे, आज दिन उनका सुकून से कटा। दुकान का बोर्ड तोड़ने से दुकानदार हुआ आक्रोशित। आपको बता दें कि शहर के सबसे व्यस्तम इलाके सिंह टावर के सामने एक चाय की दुकान है, जिसका बोर्ड नगरपालिका ने उसके सामने से हटा दिया। यहां के मालिक का कहना है कि उसके दुकान का बोर्ड नगरपालिका द्वारा लगातार दूसरी बार तोड़ा गया है, जबकि उसका बोर्ड काफी पीछे लगा हुआ है। उसके आगे कई लोगों का सामान और गाड़ियां भी रखी रहती हैं, जिसकी तरफ किसी भी नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी की नजर नहीं गई। अभी ठीक तरह से बारिश शुरू भी नहीं हुई कि लोगों की मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गईं। ऐसा ही एक मामला राधोगढ़ के भैसाना पंचायत के तहत आने वाले ब्रसंगपुरा गांव का है, जहां की सड़क बारिश के चलते कीचड़ में सन चुकी है। कीचड़ की भरमार होने से इस सड़क पर वाहन निकलना तो दूर की बात,
वहां से आदमी का पैदल निकलना भी दुश्वार हो गया है। सड़क की हो रही इस दुर्गति की कहानी ग्रामीणों द्वारा सरपंच, सचिव सहित एसडीएम को भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को इस समस्या से आज तक कोई निजात नहीं मिली है। चल गया यही मोरा चल का समस्या आ रही है पूरी समस्या ही रास्ता बंद निकलने की नहीं बन रही। हाँ बोलो ऐसा मत यार वीडियो वीडियो बस बहुत ही अरे इतने में हो जाए सुनवाई होगी तो भूली हट जाए और का। हमारे सहयोगी आनंद व्यास की रिपोर्ट। अरुण नगर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में राकेश उपरिंग है। बता दें कि यह कथा हर वर्ष श्रावण के मास में ही की जाती है और लगातार से ये 6 वर्षों से चली आ रही है। यहाँ यह भी बता दें कि पूरे श्रावण मास में श्रद्धालु इस कथा का आनंद लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें कथा आचार्य पंडित श्री हरिओम भार्गव द्वारा कथा कही जा रही है। यह कथा सुरई वाला राधा कृष्ण मंदिर पुराना बस स्टैंड के पीछे चल रही है। पूरे श्रावण मास में श्रद्धालु इस कथा का आनंद उठा सकेंगे। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। सावन का महीना, जिसमें कहा जाता है कि सभी देवी देवता सो जाते हैं, इसलिए इस पूरे महीने में कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता, केवल होता है तो सिर्फ भगवान का स्मरण एवं पूजा। सावन का महीना यूं तो भगवान भोले के नाम पर ही होता है, क्योंकि देवों के देव महादेव कभी सोया नहीं करते। इस महीने में श्रद्धालु अपार श्रद्धा के साथ अपने भोले को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। इस पूरे महीने में हर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इसी प्रकार से मंदिर घाट पर स्थित जोगेश्वर मंदिर में भी आजकल चल रहा है। यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा पूरे माह में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। ये रुद्राभिषेक पिछले कई वर्षों से कराया जा रहा है, जो कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे शुरू होता है। इसमें श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भजनों में खो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। भगवान शिव का जाप शुरू होते ही हर पैर अपने आप में थिरकना शुरू कर देता है। बारिश के शुरू होते ही निचले इलाकों में भरने लगा है पानी, अभी से आ रही है लोगों को परेशानी। ऐसा ही एक मंजर सामने आया जब मगरोड़ा गांव में नदी का बहाव इतना बढ़ गया कि वह रोड तक आ गई। इस नदी का उफान पर आने के बाद दोनों ही तरफ यातायात अवरुद्ध हो गया है। बता दें कि ये रोड मगरोड़ा से होते हुए पाड़ोन तथा कोटा के लिए जाती है, जो कि मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। यहाँ दोनों तरफ कई बसें भी खड़ी हो चुकी हैं। लोगों को और खासकर यात्रियों को यहाँ पर मुसीबत का बड़ा सामना करना पड़ रहा है।
जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, एक लड़का जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर रोड को पार करता हुआ नजर आ रहा है। इतना पानी भरे होने के बाद किस तरह से लोग सफर करते हैं, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी अक्षय चौरसिया की रिपोर्ट। ऑल इंडिया प्रेस क्लब के ग्वालियर चंबल संभाग के युवा अध्यक्ष बने अक्षय चौरसिया। अक्षय चौरसिया को ऑल इंडिया प्रेस क्लब का ग्वालियर संभाग का युवा इकाई के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। ऑल इंडिया प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष बृदेश श्रीवास्तव द्वारा उनका मनोनयन किया गया। शीघ्र ही ऑल इंडिया प्रेस क्लब की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों का नियुक्ति भी की जाना है। ऑल इंडिया प्रेस क्लब के सदस्यों ने चौरसिया की युवा इकाई अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है। नवनियुक्त चौरसिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। डीजियाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।